फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विनीता और आपका स्वागत है स्वाद की पोटली में। तो आज हम लेकर आए हैं डोनट, जो कि हम बिना ईस्ट, बिना अंडे और बिना माइक्रोवेव के घर में ही हम बनाएंगे कढ़ाई में सॉफ्ट और स्पंजी सा डोनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोनट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1/2 कप दूध, 1/4 कप पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 से 3 टीस्पून मक्खन। अब हम मैदा, चीनी और सोडा को एक साथ मिलाकर छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें छोटे छोटे गांठे और लम्स निकल जाए। इसे मिक्स कर लेंगे, विनेगर डाल देंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम धीरे धीरे दूध डालकर दूध की सहायता से स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। इसमें आवश्यकता लगे तो आप 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। लास्ट में हम मक्खन डालकर इसको गूंथ लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डो हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर से हम मक्खन लगाकर 1 घंटे तक ढक कर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे हो गए हैं, ये स्पंजी सा डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक मोटी चपाती की तरह बेल लेंगे। इसे हमें पतला नहीं करना है और ना ही मोटा। बिल्कुल ऐसा डो तैयार कर लेंगे। अब इसे हम एक किसी गोल कटर से या कटोरी से कट कर लेंगे। इसके बीच का हम किसी कैप से कट कर लेंगे या आपके पास छोटा कटर है उससे कट कर लीजिए। ये कैप आप बॉटल का ले सकते हैं। ऐसे हम सारे डो तैयार कर लेंगे कट करके। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप 2 चम्मच नींबू का रस भी ले सकते हैं। हमारा डो तलने के लिए रेडी है। अब हम एक तरफ कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें एक एक करके डो डालेंगे। तेल गरम है या नहीं वो चेक कर लेंगे थोड़ा सा डाल के। अगर वो ऊपर आता है तो समझ जाइए कि हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके डो डालेंगे। सावधानी से डालेंगे क्योंकि तेल गरम है। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसे पलटते हुए हम गोल्डन ब्राउन तक तल लेंगे। देखिए इसका कलर आने लगा है। इसका कलर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। दूसरा भी उसी तरह से हम डाल लेंगे। और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा। ये हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे।
इसे तलने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। डोनट को कोटिंग करने के लिए हम 1 कप डार्क चॉकलेट ले लेंगे और 1 कप व्हाइट चॉकलेट ले लेंगे और इसको चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक पतीले में पानी गर्म कर लेंगे, उसके ऊपर डबल बॉइलिंग मेथड से डार्क चॉकलेट डालकर मेल्ट होने के लिए रख देंगे। इसमें 2 चम्मच हम गर्म पानी डाल देंगे या 2 चम्मच हम मक्खन डाल देंगे तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। हम ये डबल मेथड से डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट दोनों को मेल्ट कर लिया है। ये बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर आ चुका है, सिल्की सा ये तैयार हो चुका है। अब इसमें हम, अगर ये नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, इसमें आप चॉकलेट सिरप का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डोनट को कोटिंग करेंगे। इन डोनट्स को हम चॉकलेट लेयर करेंगे, इस तरीके से चॉकलेट में डिप करेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया एक लेयर सा बन गया है इस पे। इसके टेक्सचर बहुत ही क्रीमी से आ चुके हैं, ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इस तरीके से हम दूसरे डोनट्स को भी कोटिंग कर लेंगे चॉकलेट का। इस तरीके से हम सारे डोनट्स को व्हाइट और डार्क चॉकलेट में कोटिंग कर लेंगे। इसे आप चाहें तो आइसिंग शुगर स्प्रिंकल या क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। तो हमारा डोनट बनकर, चॉकलेट एंड क्रीमी स्पंजी डोनट बनकर तैयार है। इसे आप भी ट्राई कीजिए, बच्चों को खिलाइए, अपने परिवार को खिलाइए। ये आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और अपना अनुभव हमें कमेंट में बताइए कि कैसा बना। अगर अच्छा बना तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।